अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद किचन। आज मैं जी फिजान साहब की तरफ आया हूँ और इनके पीछे कबूतर नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इनका शौक करवाता हूँ, दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो में मज़ा आएगा, कबूतर देख के भी अच्छा लगेगा। ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी शेयर करता हूँ। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं यहाँ पर अक्सर चक्कर लगाता रहता हूँ और इनके पास लाखे कबूतर बड़े अच्छे पड़े हुए हैं, कुछ टैडी कबूतर बड़े अच्छे पड़े हैं, कुछ नवाब वाले कबूतर जो हैं वो इनके पास बड़े अच्छे नवाब वाले कबूतर पड़े हुए हैं, और एक इनके पास BMW ब्रीड है उसका शौक भी करवा देते हैं, और कुछ मेरे घर के जो 90 नंबर टैडी कबूतर हैं वो पड़े हुए हैं, और एक मेरे पास बाजियों में भी मादी उड़ी है 79 नंबर, उसका जो जद्दे अमजद है वो भी इनके पास पड़ा हुआ, बड़ा कबूतर मतलब है। मेरे पास उसकी बेटी है, इनके पास वो कबूतर पड़ा हुआ है, उसका भी शो करवाते हैं आपको। बाकी ये कबूतर देखें, मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ और देखते हैं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लें जनाब, ये इनके जो हैं कबूतर हैं, लाखी ब्रीड है इनके पास माशाल्लाह से। जो BMW जिसको ये कहते हैं, जो पूरे पूरे लाल है ना, इनको ये BMW ब्रीड कहते हैं। ये देखते जाएं, ये ब्रीड है माशाल्लाह ताला इनके पास। इधर से आपको मैं और नीचे भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये बैठा हुआ है, ये मेरे घर वाली मादी है। इस मादी का बच्चा 14 नंबर स्टार मेरे बाजी में भी उड़ा था, 14 नंबर इसको अभी भी पाँव में कड़ी पड़ी हुई है। ये देखें, ये हैं, बाकी ब्रीड भी माशाल्लाह अच्छी चल रही है। ये देखें, ये BMW मादी है बड़ी, जहाँ से ये सारे बने हुए आ गए। ये चेक करें, ये इसका आ गया बच्चा, अच्छी ब्रीड भी काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें, ये कबूतर, और इनको इधर करना, ये भी बैठे हैं, ये भी सारे इधर कर दिए। चलिए, अब आपको मैं इंशाल्लाह इनमें से जो है ना बड़े कबूतर मेन दो चार दिखाता हूँ और आपको शौक करवाता हूँ, और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, आपको वीडियो देख के मज़ा आएगा, और एक यूनिक जो है ना वो वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला आपकी। बाकी इनके ये नवाब वाले मुझे बड़े पसंद है कबूतर। चलें जी, अब आपको मैं इनका शौक करवाता हूँ। चल, ये है जी मादी बड़ी, और ये मादी का आपने पहले तो शौक नहीं किया हुआ, आपको मैं इसका दिखाता हूँ इंशाल्लाह। इसके बच्चे मैंने लेके जाने हैं, और अभी मैं जो यहाँ पे आने का मकसद था ना, मैंने यहाँ से बच्चे लेके जाने हैं, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। मैं जो बच्चे निकालने हैं और परवादी छत पे लेके जाने हैं इंशाल्लाह ताला, इनके घर के वो उड़ाएँगे वहाँ पर। ये है मादी की आँख, ठीक है जी, बड़ी माशाल्लाह से बेहतरीन मादी है, पारा अंदर से कटे हुए, अभी तक ये वो नहीं हुई, साफ़ नहीं हुई। और आपको मैं इसके अभी ज़्यादा नहीं पंगा लूँगा, पलटा के दुम बड़ी अच्छी है। ये इसके पंजे हैं, खाया हुआ है, क्योंकि पंजे भी देख लें खुश्क हैं, और इन्होंने ये BMW नाम की इसको कड़ी डाली हुई है। अब मैं आपको इसका जो है ना हस्बैंड वो दिखाता हूँ, जो नर लगा हुआ इसके साथ। ये है जी उसका हस्बैंड, जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। वो मादी दरअसल आई मेरे घर से भी, इनके पास ये नर पड़ा हुआ था, दो बल्कि नर पड़े हुए थे, तो ये इनके घर का बेबी पिजन, इसके माँ बाप इनके पास पड़े हुए, और इन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीड बनाई है, तो उड़ाना तो मैंने ही है इनको, रिजल्ट मेरी छत पे इंशाल्लाह ताला आएंगे। आँख को ज़रा क्लोज करो, ये इसकी आँख है, मादी की आंख आपने देखी है, ज़्यादा जो है वो सुर्ख है, नर की थोड़ी कम सुर्ख है, और बीच में इसकी ज़मीन वाइट है, तो आखिरी रिंग बड़ा अच्छा माशाल्लाह से, और इनका कलर बड़ा जो है वो यूनिक है, और उड़ते तो हैं ही हैं वो, तो उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ये पर हैं, ये देखें पल्ला देख लें माशाल्लाह से, अच्छा बड़ा पल्ला, और टेल बंद है नर की भी, अभी ये दाना इन्होंने खाया हुआ, तो इसलिए फिर मैं अब ज़्यादा जो है वो नहीं कर रहा, ताकि ये देखें जिस तरह की चूँच है, उसी तरह के पंजे हैं, उसी तरह की इनकी दुम का कलर है, वही इनका अपना कलर है, वही पलकों का कलर है, वही नाखूनों का कलर है, तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे जो हैं, और वेटर कबूतर नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट से कबूतर हैं, मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, हड्डी वगैरह मुझे चुभ रही है। और अब मैं आपको जो है ना ये इनका वो, तो क्या बात है, बिस्कुट कलर जिनका ना इनको हम कहते हैं, ये इनकी BMW ब्रीड। बाकी और मैं अंदर से ला के दिखाता हूँ आपको, ये बड़ी मादी है जी, जो अभी मैंने आपको नर दिखाया वो इसका बेटा, ठीक है। ये देखें, ये मादी की आंख है,
ये ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगी। ये मादी है और इसके आपको मैं पर दिखाता हूँ। ये देखें, इन्होंने जो साथ में नर लगाया हुआ वो बड़े कुंदे का लगाया हुआ, इस वजह से बच्चों के कुंदे ज़रा ज़्यादा बड़े हो गए हैं और इस मादी की निस्बत। ठीक है, इसी तरह से जोड़े लगते हैं, बैलेंस होते हैं। ये मादी है, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त मादी है। लें जनाब, ये नर है जो कि उस मादी के साथ लगा हुआ है और आगे से वो जो बिस्कुट कलर में बच्चे आ रहे हैं ना, ये नर के लें जी। ये नर की आँख है, ये देखिए। अब आपको मैं इसके पैर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस कबूतर के पैर हैं और पंजे भी दिखा देता हूँ। ये हैं पंजे, घुंघरू पर डालेंगे। ये पंजे हैं, ठीक है जी। ये कबूतर, एक ये है जी, बड़ा अच्छा है इन्होंने बच्चा जोड़ों के लिए रोका हुआ है, कैंचियाँ मारी हुई हैं, ठीक है। और इसकी आँख जो है बड़ी डिफरेंट है ना, ये देखें, इसकी आँख डिफरेंट है उनसे जो बाकी पहले आए हैं। और इसके भी हड्डी जोड़ जोड़ बंद है, हड्डी बेहतरीन है। और आपको मैं इसके पंजे दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके पंजे सारे सेम ही हैं माशाल्लाह से, बड़े बड़े वजूद के स्टैंडों के कबूतर हैं। अब आपको मैं इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट कबूतर दिखाता हूँ। एक ये है बीच में जी, ये बड़ा किसा कलर देखें, कितना शानदार ही ऊपर से। ये देखें, ये कलर देखें ऊपर इसका, ये कितना अच्छा निकला हुआ है। और ये इसके पार, इन्होंने इस काटे में, ये पार काटने का जो मकसद होता है मैं आपको बता दूँ, बच्चों जो है ना वो अच्छा जिस्म बना जाते हैं, तो इस वजह से क्योंकि जब ब्रीड के लिए रोकने होते हैं तो अक्सर लोग वो पार काटते हैं इसीलिए कि इनका जिस्म अच्छा बन जाए, ठीक है, सिर्फ उसके पीछे ये रीज़न होती है। ये आँख है इसकी, और ये हैं इनके पंजे, ठीक है, ये पंजे हैं। ये क्लियर हो गए, ये बड़ा माशाल्लाह से अच्छा निकला हुआ, और ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंट निकला, डिफरेंट चीज़ जो है ना आई है। लें दोस्तों, ये डिफरेंट ब्रीड में से आया है, और ये जो इनके नवाब वाले कबूतर हैं ये वो है 28 नंबर, ठीक है जी, नवाब वाले। और इसकी आँख है, हाँ देखिए जी, बेहतरीन। फजान भाई, ये वाला मैं लेके जा रहा हूँ क्या? नहीं ले जाओ। ये देखिए जी, ये पार है इनके, ये टेल है, यही बच्चा देने के लिए बुलाया आपको? हाँ वही, जहरी बात है जी, आप आए मैं से लिए हूँ। ये टेल है, बड़ी प्यारी कलर के अंदर टेल आई है। और ये इनके पंजे, इनके पास भी ब्रीड बड़ी अच्छी माशाल्लाह से हो रही है, और जो सक्सेसफुल ब्रीड हो रही है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो सारी एहतियातें मैं बताता रहता हूँ ये भी वही करते हैं, और उसी की वजह से आपके सामने है ब्रीड का रिजल्ट, किस तरह के बच्चे आ रहे हैं। लें जी, ये कि नवाब वाला और कबूतर आया, देखने में आपको बड़ा ज़बरदस्त लाइट वेट कबूतर है, बिल्कुल हड्डी चुभने वाली है, जोड़ कबूतर कितने से खुले हुए हैं, ठीक है। और ये वो कबूतर हैं जो बच्चे उड़ाते हैं, ठीक है। आपको ये इसकी आँख में दिखाता हूँ, ये आँख देखिएगा, ये काली आँखों के बच्चे भी निकालते हैं ना, बंद आँखों के एक निकाला है वो भी दिखाना है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट, वो आँख को थोड़ा क्लोज करना, वो भी ये चीज़ है पट्टी है निकल, आँख को थोड़ा क्लोज करना। ये आम देख लें जी, आँख कुशादा आँख के कबूतर हैं, ज़मीन इनकी आँख की वाइट है, रिंग देख लें आँख के आखिर में, वो एक आपको सरमई से नज़र आएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको इसके पैर दिखाता हूँ, ये पैर हैं इनके, एक साइड के ये पा रहे हैं इसके, दूसरी साइड के क्रीज में पड़ा हुआ, तो टील का कलर भी बड़ा प्यारा है। ये देखिए, ये तुमका कलर बड़ा ज़बरदस्त कलर निकला हुआ। और ये इसके पंजे, ठीक है जी, ये कबूतर है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। अब आपको जो है और कबूतर ला कर दिखाते हैं। लें दोस्तों, ये भी नवाब वाले हैं, इसके भी देख लें आप, सारे ये लाल लाल आपको पूरे नज़र आ रही होंगे, ऊपर भी लाल छाप है सारी, और बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बड़े ही परवाजी। और वो जो अभी आपको नर दिखा उसके साथ ये लगी हुई है, ये इसकी आँख है, ये देखें, ठीक है जी, ये आँख है, बड़े अच्छी बंतर के अंदर है और
परों की लेंथ भी इनकी बहुत ज़्यादा है, इनकी परों की लेंथ ज़्यादा है। ये देख लें, परों में कर्व भी है एक अच्छे मतलब के, और कस भी काफ़ी ज़्यादा है। टेल देख लें, टेल भी बंद है बिल्कुल, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इनका ऊपर वी बना हुआ, जिस तरह टेडी कबूतरों का वी बना हुआ होता है ना काले रंग का, इनका ब्राउन सा ये वी बना हुआ ऊपर। ये इसके पंजे देख लें, ठीक है, ये वाले वी की मैं बात कर रहा हूँ। टेडी कबूतरों का जो बना हुआ होता है ना, इनका ये लाल रंग का वी बना है, बीच में ये सफ़ेद है, तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये डब वाला में भी आता है? हाँ, डब वाला टाइप वही है। लें जनाब, ये पट्टी है उसी पेयर की। ये देखें, आँख जो है काफ़ी इसकी गहरी है, मेरा ख्याल वक्त के साथ जो है वो क्लियर कर जाएगी, साफ़ कर लेगी वक्त के साथ साथ ना आँख। पहले तो ये बिल्कुल ही डार्क काली आँखें थी इसकी, और ये पर इन्होंने इसके भी जोड़ों के लिए रोके कैंचियाँ मारी हुई हैं। टेल शेल भी अच्छी है, ये देख लें, ये टेल है, बन टेल है, और जिस्म वगैरह भी अच्छा है, मतलब कि कोई इतना गोश खोरा जिस्म नहीं है, जोड़ इसके बिल्कुल बंद हैं। और ये इसके पंजे हैं, ये देखें जी, ये खुश्क गहरे और सेम लंबे लंबे नाखून हैं, नाखून भी अच्छे लेंथ के अंदर है। ये ठीक है जी, ये देखें, चलें लें दोस्तों। ये देखें कि ये भी है कमाल का कलर, ये भी शेड पूरा बना जाएगा, ये इसका सारा इसी कलर में जो है सब्ज़ कलर का शेड बनेगा। अभी बेबी भी है ना, ये इसके अच्छा, ये अपनी माँ पे ही गया हुआ, माँ जैसा नहीं, वो थोड़ी सुस्त रहती है, ये उस हिसाब से तीसरी कली का हो गया हुआ बेबी पिजन ये। और ये इसकी आँख है, ये आँख देखिए, ये आँख है जी, नीली आँखों का बनेगा। हाँ, उनसे डिफरेंट है। हाँ, नीली आँखों का बन रहा है ये। और ये पंजे देखिए क्या बात, सब ए कैटागरी के दिखाए हैं जी, ए प्लस कैटागरी का कबूतर है ना सारे, बहुत ही यूनिक डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें तो आजकल लोगों के पास मौजूद ही नहीं है, और बड़े मतलब के रेयर छत्ते होंगे जिनके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप मतलब के मैं भी बड़ा फिरता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बेशुमार जगह पे देखे हैं कबूतर इस कलर में, इस लेवल के कबूतर किसी कम भी दोस्तों के पास पड़े हुए होंगे। लें जी, एक और BMW ब्रीड में से आ गया, और ये चेक करें जी, ये आँख है इसकी, और आपको मैं पर दिखाता हूँ, ये पर देखिए बहुत लेंथ के अंदर पा रहा है इसका, और जब ये अभी बच्चा है, जब ये बड़ा कर लेगा पर साफ करेगा तो और भी ज़्यादा आ जाएंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त निकला हुआ है, और ये इसके पंजे हैं। अच्छा, जितने भी आपको मैंने कबूतर दिखाए हैं, आपने नोट एक चीज़ की होगी, किसी एक के बच्चे के पर दो कलर में नहीं आए, सारे सेम कलर के अंदर पर आए हैं। मतलब कि आपको मैंने जितने भी बच्चे दिखाए हैं, किसी एक बच्चे के जो नाखून है वो दो कलर में नहीं आए होंगे, सबकी चूँच और नाखून का सेम कलर आया जितने भी आपको दिखाए हैं। ये क्वालिटी है, और सारों की जो है नलियाँ बरीक हैं, किसी की एक्स्ट्रा यहाँ पे गोश्त नहीं है, ये बीच में जो है यहाँ पे किसी का जो है वो एक्स्ट्रा गोश्त नहीं है, तो ये अच्छे खुश्क पंजों के और खुश्क तर पंजे जिनको कहते हैं ना हम, ये वो हैं। ठीक है, तो मैं कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए आपको, इस चीज़ के मतलब भी पता लगना चाहिए। बाकी ये देखें इनके ऊपर ये कट्स, और ये कितने अच्छे बने हुए हैं, और कितनी लंबी उंगलियाँ हैं। ठीक है, ये इनके आम कबूतरों की उंगलियाँ इधर ख़त्म हो जाती हैं, इनकी ये एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ जो है शेयर होनी चाहिए, आपको इस मतलब भी आपको भी बताना चाहिए। लें दोस्तों, ये पांच बच्चे हैं जो कि मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, और आपको मैं इनका पकड़ के डिटेल से शौक अपनी छत पे करवाऊँगा। अभी फिल वक्त आपको मैं सर्जरी से दिखा रहा हूँ, लाखे बच्चे जो हैं इन्होंने मुझे दिए हैं, और इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे अपनी छत पर, उड़ाएँगे, देखेंगे। एक ये बच्चा, ये कौन से वाले छोड़ेगा? ये लाल परी अनुभव वाले, लाल परी। अच्छा, ये सारे मतलब के उन्हीं में से हैं। ठीक है जी, भैंस की ये बैठी है नीचे। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मैं इनका बाकी डिटेल शौक आपको अपनी छत से करवाऊंगा, और जिनको जहर बाद होगा उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं, और बाकी जो है इंशाल्लाह। ठीक है जी, आपने बताना जरूर है आपकी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।